बंद मकान से गेट का कुंडा तोड़ हुई लाखों की चोरी। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र श्रीराम कॉलोनी की घटना। परिवारीजन गोगा मेढ़ी की पूजा करने गए हुए बाहर। सुबह सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद गेंदालाल राठौर संघ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, R9 भारत। चोरी हुई किस तरह से हुई, चोरी हुई है किस तरह की घटना थी? ये धर्मेंद्र राठौर का मकान है, श्रीराम कॉलोनी में, थाना उत्तर है। ये गोगा मेढ़ी गए थे जो दर्शन करने के लिए जाते हैं। मकान खाली था, ताला लगा था बाहर से, लेकिन चोर ये काट के इसको ताले को गुंदे को काट के अंदर प्रवेश कर गए रात में, और रात्रि में इन्होंने चोरी की है। सारा सामान ले गए यहाँ से, पूरा खुला पड़ा है आपके कैमरे में। किस तरह का सामान है? जेवरात है और कुछ है? सामान में ये जेवरात है और कुछ नगदी भी है। वो भैया आ जाए तभी पता चलेगा उसका कितना नगदी है, और सामान तो खुला ही पड़ा है पूरी। लगभग कितने का कुल कितना अनुमान? विशाल जवाबी होली दंगल पचोखरा में मुख्य अतिथि के रूप में टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर का जनता ने फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने कहा, टुंडला विधानसभा में खारे पानी से लोग परेशान हैं, वह जल्द से जल्द लोगों को इस दुविधा से निजात दिलाएंगे। अपनी जीत का श्रेय जनता को देते हुए उन्होंने कहा और कि जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट। देखा था पिछली सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार, दिन दहाड़े अपहरण, प्लॉटों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, ये हुआ करते थे। हमारी बहन बेटी अगर विद्यालय जाती थी तो ये डर लगता था कि विद्यालय से लौट करके आएंगी तो सुरक्षित आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। हमारी माता बहने बाजार जाती, अगर रात का अंधेरा हो जाता था तो सुरक्षित लौट करके आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। मगर जब से योगी जी की सरकार आई है तो हमारी माताएं बहनों की तरफ को गुंडागर्दी नहीं करता है। अगर किसी ने अवैध कब्जा करा दिया कर लिया है तो उस पर माननीय योगी जी बिल्डोजर चलाने का काम किया, बिल्डोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो गए हैं। तो किसी के पे अवैध कब्जा नहीं होगा, आपके साथ कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। अब मैं भी आ गया हूं, अगर कोई गुंडा आपको बेवजह परेशान करता है तो मुझे याद करिए। अब गुंडा मेरी विधानसभा में नहीं रहेगा, मेरी विधानसभा से बाहर चला जाएगा। अब किसी अधिकारी की अपनी मानसिकता नहीं चलेगी। अब मैं रचना बनाऊंगा बैठ करके अधिकारियों से, जो जन सुनवाई में भीड़ लगती है ना, वो अब जन सुनवाई में भीड़ नहीं लगेगी। अधिकारियों से सीधे सीधे बैठ करके आदेश कर दूंगा कि मेरी क्षेत्र की अगर जनता किसी काम के लिए आती है तुरंत उनके आदेशों का पालन आपको करना है। मेला का भी दिन है, मेला भी लगाया यहाँ पर? नहीं मेला नहीं है, होली है। अच्छा, जवाबी होली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे पर्व को बड़े शांति ढंग से मनाया, आपस में बगैर द्वेष भावना के दिल से दिल को जोड़ने का काम किया है। तो ऐसे ही आप सब लोगों का दिल जुड़ता रहे। होली मिलनी ही है कि आपस में